इस वीडियो में हम कुछ फोबियास के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये फोबिया क्या होता है। बेसिकली फोबिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फोबोस, जिसका मीनिंग होता है फियर या हॉरर से रिलेटेड। तो फोबिया में हमें किसी भी चीज से डर लग सकता है, या किसी भी सिचुएशन में डर लग सकता है, या फिर किसी भी काम से भी डर लग सकता है। मतलब ये कई तरीके का हो सकता है, जिनमें से कुछ हम पढ़ने वाले हैं। नंबर वन, एक्रोफोबिया। एक्रो का मीनिंग हाइट से रिलेटेड होता है, और फोबिया तो हम जानते ही हैं डर होता है, इसीलिए एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाइयों से डर। और ये एक कॉमन फोबिया है, ज्यादातर सभी लोगों को ही ऊंचाई से डर लगता है। नंबर टू, एरोफोबिया। एरो का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं, फ्लाई से रिलेटेड होता है, इसीलिए एरोफोबिया का मीनिंग फियर ऑफ फ्लाइंग होता है, उड़ान का डर। नंबर थ्री, एरेक्नोफोबिया। बेसिकली एरेक्नो का अर्थ मकड़ी और उसके जाल से रिलेटेड होता है, इसीलिए एरेक्नोफोबिया का मतलब मकड़ियों का डर। और मैं आपको बता दूं कि एरेक्नोफोबिया नाम से एक हॉरर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। नंबर फोर, एस्ट्राफोबिया। इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। और ऐसा ही एक और फोबिया होता है, जिसे हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है फियर ऑफ स्टार्स एंड स्पेस। नंबर फाइव, ऑटोफोबिया। ऑटो का अर्थ सेल्फ होता है, तो इसीलिए ऑटोफोबिया का मीनिंग फियर ऑफ बीइंग अलोन और लोनली, अकेले होने का डर, इसे मोनोफोबिया भी कहते हैं। नंबर सिक्स, क्लेस्ट्रोफोबिया। बेसिकली क्लेस्टर का अर्थ होता है समूह या झुंड, तो इसीलिए क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब भीड़ भरे स्थानों का डर। हीमोफोबिया। हीमो का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं, ब्लड से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हीमोफोबिया का मीनिंग फियर ऑफ ब्लड होता है, खून का डर। नंबर एट, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का अर्थ पानी से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हाइड्रोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ वाटर। नंबर नाइन, ओफिडियोफोबिया। इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का डर। एंड नंबर टेन, जूफोबिया। इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का डर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं भी आपकी तरह पांडे सर का स्टूडेंट हूँ। सर अभी मोबाइल खराब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, वो मोबाइल रिपेयर करवा कर आपके लिए वीडियो अपलोड करने लगेंगे। और आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखें। जरूरी काम पड़ने पर ही बाहर जाएं, मास्क लगाकर ही जाएं। और जब तक और भी चैनल पर नॉलेजेबल वीडियो हैं, उन्हें देखते रहें। अभी जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।